Hello everyone, hope you all are doing well. In this video, I have shared some beautiful and easy to make DIYs. In beautiful DIYs ke saath saath, I am decorating my room with some beautiful products. इन सभी प्रोडक्ट का रिव्यू आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन माई चैनल. इस बार का जो थीम है उसमें आई हैव एडिड सो मैनी कलर्स इन दिस रूम. तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल शेयर कर्टेन. काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कर्टेन है, बहुत ब्यूटिफुल हैं और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं. तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं. ये जो कर्टेन है उनको मैं ऑलरेडी विंडो पे हैंग कर चुकी हूँ. अब इसके बाद मैं रेडी करूँगी सिटिंग एरिया. सिटिंग एरिया को रेडी करने के लिए यहाँ पर जो सोफ़ा कम बेड है उसको मैंने ओपन कर दिया है. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं प्लेस करने जा रही हूँ सोफ़ा कम बेड के ऊपर एक ब्यूटीफुल पिंक कलर की शीट. ये कॉटन फैब्रिक की शीट है और जिसका कॉटन फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है. शीट काफ़ी ज़्यादा प्लेन है बट ब्यूटीफुल पिंक कलर है. अगर आप किसी भी जगह के लुक को कलरफुल करना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे बेसिक कलर होते हैं जो एकदम से उस जगह के लुक को चेंज कर देते हैं, जैसे कि पिंक, येलो एंड ग्रीन. ये कुछ ऐसे कलर हैं, इन्हें आप कहीं पर भी प्लेस करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा एंड ब्यूटीफुल लुक आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा. पिंक बेडशीट प्लेस होने के बाद हेयर आई हैव ब्यूटीफुल बांधनी प्रिंट बेडशीट एंड हेयर यू कैन सी दिस सिंगल बेडशीट हैज सो मैनी कलर्स, ब्लू, ग्रीन, येलो. एंड बस इसको थोड़ा मैंने स्लांटिंग करके इस बेड के ऊपर अच्छे से प्लेस कर दिया और इसने कितने सारे कलर्स इस प्लेन बेडशीट के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं. इस तरीके से आप भी आपकी कोई बेसिक सी बेडशीट है उसके ऊपर बहुत सारे कलर्स ऐड कर सकते हैं. इस तरीके की कोई भी कलरफुल बेडशीट ले लीजिए जिसमें बहुत अच्छे से प्रिंट हो और वो इंस्टेंटली इस जगह के लुक को इन्हेंस कर देगी. नेक्स्ट स्टेप में है कुशन कवर्स. और कुशन कवर्स आप जैसे ही किसी भी जगह पर ऐड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ऑटोमेटिकली उस जगह का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. यहाँ पर मैंने कुछ ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कुशन कवर्स चूज़ किए हैं. तो सबसे पहले मेरे पास है कि ग्रीन कलर के कुशन कवर्स और साथ में ही बहुत ब्यूटीफुल से पिंक कलर के कुशन कवर्स. इन सबको मैं एक साथ प्लेस करूँगी और इतने सारे जो अच्छे अच्छे कलर्स हैं वो एक बहुत अच्छा सा लुक उस जगह पर क्रिएट करेंगे. किसी भी ऐसे स्पेस को जहाँ के लुक को आप इन्हेंस या ब्यूटीफाई करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वहाँ का लुक डिफरेंट लगे, तो बस थोड़े से ब्यूटीफुल कुशन कवर्स वहाँ पर ऐड कर दीजिए. थोड़े से अच्छे और ब्यूटीफुल कुशन कवर्स आप उसमें ऐड करेंगे और अपना आप ही उस जगह का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगता है. नेक्स्ट यहाँ पर मैंने प्लेस किया है फ्लोर पर एक रेड कलर का रग. बिकॉज सब कुछ इतना कलरफुल है तो रग भी मैंने यहाँ पर रेड कलर का चूज़ किया है. साइड में मैंने रख दिया है ऑटोमन और इस ऑटोमन का जो लुक है या कलर है वो काफ़ी फेड है, तो उसके ऊपर मैंने ये रखी है इसके ऊपर प्लेसमेंट मैट. प्लेसमेंट मैट सिर्फ आपके ऑटोमन को गंदा होने से ही नहीं बचाएगा, इनफैक्ट जो उसका लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको चेंज लगेगा. तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट. हमारा जो स्टेप है वो है हमारी वॉल डेकोरेशन और वॉल को आप कैसे खाली छोड़ सकते हैं. किसी भी जगह के लुक को इन्हेंस करने के लिए वॉल को भी आपको ब्यूटिफुल बनाना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कुछ फ्रेम और ये सारे फ्रेम DIY है. तो सबसे पहला जो फ्रेम है वो मैंने कैसे बनाया है उसको स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मेरे पास है MDF कटआउट जो कि एलिफेंट शेप के हैं. ये जो कटआउट्स हैं ये मैंने अपनी बेटी के प्रोजेक्ट के लिए मंगाए थे बट काफ़ी सारे थे तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ कर रही हूँ इस पेंटिंग पे. तो सबसे पहले जो एलिफेंट कटआउट है इसमें मैं ब्यूटीफुल सा पेंट कर दूँगी. आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी टू मेक है, प्लस आप अपनी पसंद के कोई भी कलर कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्यूटीफुल कलर चूज़ किए हैं और मैं बस इनको इस MDF के ऊपर अप्लाई करूँगी. जब भी मैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाती हूँ या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाती हूँ जिसमें कलरिंग करनी होती है या जो पेंटिंग वाला पार्ट आता है वो सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट पार्ट लगता है. यहाँ पर चलिए देखिए कि मेरी जो डॉटर है वो भी इस पर कलर फिल कर रही है और इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में अपने साथ पार्टिसिपेट करा के बिज़ी रख सकते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप में. जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो एलिफेंट्स हैं, कटआउट्स हैं, उनको हम थोड़ा सा करेंगे डेकोरेट. यहाँ पे ये जो एलिफेंट कटआउट है इसके ऊपर मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट किया है. छोटे छोटे से डॉट्स लगाए हैं जिससे बनाए हैं फ्लावर्स. इस तरीके से ये डिज़ाइन बहुत इजीली कोई भी बना सकता है और इसके लिए यूज़ किया है यहाँ पर मैंने एक्रेलिक के आउटलाइनर्स का. अब
अगर आप ड्राइंग करना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाएं ताकि इसको जब आप कहीं पर भी लगाएं तो ये देखने में अच्छा लगे। बस यहाँ पर इन कटआउट्स के ऊपर मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है गोल्डन शीट और ब्लैक शीट, इन दोनों शीट्स का यूज़ करूँगी मैं। तो सबसे पहले इन कटआउट्स को मैं लगाने वाली हूँ एक फ्रेम के अंदर। तो मैंने इसको अपने जो फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग कट कर लिया। अब बस इस तरीके से कट करने के बाद मैं जो ये एलिफेंट के कटआउट्स हैं इनको यहाँ पर जो गोल्डन पेपर है इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में जब ये कटआउट अच्छे से स्टिक हो जाएगा बस उसके बाद आपको इस कटआउट को लगा देना है फ्रेम में। ये जो गोल्डन पेपर है ये आपको आराम से किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा। लुक कितना ब्यूटीफुल इसका लुक बन के आया है ना, कितना इजी टू मेक DIY, बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाला, और जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। तो इस तरीके से आप भी ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एनिमल इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आपकी विश है, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे कटआउट आपको लोटस या बहुत सारे अलग अलग तरीके की इमेजेस मिल जाएंगी, तो आप कोई भी इमेज इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बनाया है एनिमल कटआउट से और ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जो मैं नेक्स्ट फ्रेम बना रही हूँ उसके लिए मैंने यूज़ किया है फैब्रिक, और बस इस वाले फ्रेम को बनाने के लिए आपके पास कोई भी ब्यूटीफुल सा फैब्रिक पड़ा है जो वेस्ट है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पिंक कलर का फैब्रिक था जो बिल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले बस मैंने फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर कट कर लेना है और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। बस जब अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको इसको फ्रेम के ऊपर फिक्स कर लेना है। अब आप देखना कितने जल्दी और इंस्टेंटली एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पर फ्रेम रेडी हो गया। एक एथनिक लुक देना है किसी चीज़ का, ये बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल सा वाइब देना है। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारे फ्रेम रेडी करके लगा सकते हैं, बहुत इंस्टेंटली बनने वाले हैं और बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर डेकोरेट करते हैं अपनी वॉल को। तो सबसे पहले ये ब्यूटीफुल कलर के झरोकास जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में दिखाए थे उनको मैं यहाँ पर स्टिक कर दूँगी वॉल के ऊपर। DIY फ्रेम ऐड करने के बाद ये देखिए कितना ब्यूटीफुल उसका लुक आया है, इतना कलरफुल, इतना ब्यूटीफुल, और जो ये DIYs थे बहुत इजी टू मेक थे, बहुत जल्दी बनने वाले थे। बस इसके लिए आपको कटआउट की ज़रूरत है और फ्रेम की ज़रूरत है, आपका DIY एकदम से रेडी हो जाएगा। आपको कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड पर एक स्टैंड सा लगाया हुआ है या प्लांटर रखने वाली जो हमारी शेल्फ होती है उसका यूज़ किया हुआ है वॉल के ऊपर, और उसके ऊपर मैं अपना जो दूसरा फैब्रिक वाला फ्रेम है उसको गाऊंगी। ऑटोमन के ऊपर यहाँ पर मैंने ब्यूटीफुल अपनी एक ट्रे है उसको प्लेस कर दिया है, और ग्रीनरी ऐड करने के लिए गोल्डन पॉट के साथ यहाँ पर मैं रख रही हूँ एक आर्टिफिशियल प्लांट। किसी भी स्पेस के लुक को ब्यूटीफाई करने के लिए हमें कुछ आर्टिकल्स या कुछ ऐसे आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका लुक और ज़्यादा बेहतर और ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मेरे पास है ये गोल्डन ट्रे, इसको उर्ली भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ रखे हैं वाइट कलर के स्टोन्स। वाइट कलर के स्टोन्स के साथ साथ यहाँ पर मैं इसके ऊपर रखूँगी कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स।
यहाँ पे इस उड़ली को मैंने प्लेस कर दिया है सोफा कम बेड के ऊपर और इस तरीके से यहाँ पर थोड़े से और कलर ऐड कर रही है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस तरीके के हम आर्टिकल्स ऐड करके अपनी जगह के लुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं इस जगह के लुक को और ब्यूटीफाई करने के लिए। किसी भी स्पेस को अगर आप ग्लो करना चाहते हैं तो बस लाइट को वहाँ इंक्लूड कर दीजिए और जो लाइट होती है वो किसी भी जगह में एक बहुत अच्छा सा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर जो मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट था उसमें मैंने स्ट्रिंग लाइट्स को अच्छे से लपेट दिया। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप इस तरीके से देखेंगे अपने प्लांट पे लाइट्स लगे हुए तो ये छोटी सी लाइटें बहुत अच्छा सा वहाँ पर स्पार्कल करती रहती हैं और जो आपका प्लांट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। साथ में यहाँ पे मैं रख रही हूँ टी लाइट होल्डर। इस तरीके से आप भी बहुत सारी लाइट्स इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी जगह के लुक को इन्हेंस करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी और लाइट्स हैं और इन लाइट्स को भी यहाँ पर मैं जो मेरा फ्रेम है उसके साइड वगैरह में लगा दूंगी ताकि देखने में वाली जगह है ये एकदम लाइट अप हो जाए और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। चलिए देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कैसा बन के आया है, यही कैसा ओवरऑल दिखाई दे रहा है। इस उड़ली के ऊपर मैंने थोड़े से पिंक फ्लावर्स भी ऐड कर दिए हैं लाइट्स के साथ। तो चलिए ये है इसका फाइनल रिजल्ट। सबसे पहले जो ये झरोखा है, ये फ्रेम है, ये इतने सारे इसमें कलर्स ऐड कर रहे हैं और ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इतने सारे कलर्स एंड मल्टीपल कलर्स के साथ जो इसका लुक है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहा है और काफ़ी अच्छी सी एक रूम में वाइब दे रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए यूज़फुल रही हो या आप इस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई विल कम वेरी सून विद न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।